नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी देश में कोरोना की रफ्तार काबू में बनी हुई है। कोरोना के दैनिक मामले 10,000 से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले दो दिनों में कोरोना के नए केस में बढ़ोतरी जरूर देखी गई है, जो एक चिंता की बात कही जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 7,974 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि बुधवार के मुकाबले 14.2% ज़्यादा हैं। वहीं मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जहां एक दिन में 247 मौतें दर्ज की गईं, तो वहीं गुरुवार को 343 मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में कुल 3,47,18,602 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 4,76,478 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक 3,41,54,879 लोग रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 7,948 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब 87,245 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.37% है, जबकि रिकवरी रेट 98.38% है। राज्यों की बात करें तो दैनिक केस के मामले में केरल टॉप पर है। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस के 4,006 मामले सामने आए, जबकि 125 लोगों की मौत दर्ज की गई। राज्य में 51,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 43,626 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काबू में है। यहां दैनिक केस का आंकड़ा 1,000 से नीचे बना हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र में 925 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 10 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 6,467 है। इसी तरह मिजोरम में 177 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से एक मरीज की जान चली गई। असम में बुधवार को कोरोना के 131 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 177 लोग कोरोना से ठीक होने में भी सफल रहे। हालांकि इस दौरान दो लोगों की कोरोना से जान भी गई। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 15 दिसंबर तक देश भर में 1,35,25,36,986 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन देश भर में 60,12,425 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।